जय भीम नमो बुद्धाय। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों से हैवानियत का वो मंजर हमारे भारत देश के अंदर चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रहे हैं कि हमारे देश भारत देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी खबरें आती रहती हैं, आज वहाँ दरिंदगी। और अभी ताज़ा की खबर ये है कि मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा गैंग रेप हुआ कि जिसमें लड़की के बेचारे के 14 साल की लड़की और उसका इस कदर से रेप करा गया कि उसके बेचारे के स्तन भी काट दिए गए और गुप्तांगों को भी चाकू से गोद गोद कर बेचारी को मार डाला। ये हैवानियत को फिर भी बचाने गए। उसके बाद अभी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ। बताओ, जो भगवान डॉक्टर का दर्जा भगवान के नाम पे दिया जाता है कि डॉक्टर एक भगवान होता है, एक डॉक्टर के साथ भी एक हैवानियत का मंजर सामने आया है। लोगों की जिंदगियां बचाते हैं डॉक्टर जो कि ड्यूटी डॉक्टर थी और उसकी रेप करने के बाद हत्या भी कर दी गई। मैं अपने देश की जनता से और देश के पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि वो आने वाले समय में ऐसी जघन्य अपराध ना कर सके। ये हम जानते हैं हमारे देश का जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन मैं उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि बेटी और बहन के लिए अपनी थोड़ी सी ईमानदारी दिखाए और जिन लोगों ने दरिंदगी करी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का कार्य करें, क्योंकि ये हैवानियत का मंजर ऐसे रुकने वाला नहीं है। अगर ऐसे रुक जाता तो क्या